जैसा कि हम सबको पता है कि मूस जटाना ने घर से बाहर आते ही कंप्लेन करी है, और ये कंप्लेन करी है प्रतीक और निशांत भट्ट को लेकर। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ इस पर निशांत भट्ट ने अपना रिएक्शन दिया है। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज PHOG के नाम से मौजूद हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन और ये बातों का सिलसिला जो है मूस स्टार्ट करती हैं, जहाँ पर मूस कहते हुए नज़र आती हैं कि भाई ये दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारी दोस्ती से, एंड दे डोंट गिव अ फक टू मी अबाउट दैट। ठीक है, इस पर अब इसी स्टोरी पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि निशांत भट्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए निशांत भट्ट कहते हैं, कॉज आई वॉज बिजी ऑन अ कॉन कॉल विथ द पायलट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ तो निशांत भट्ट ने मजाक मस्ती करते हुए मूस जटाना को कह दिया है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैं जो था बिजी था उस वक्त, बिजी था मैं, और मैं कॉन कॉल में बिजी था विद द पायलट मूस जटाना। और अगर बात करें दोस्तों निशांत भट्ट की, तो दोनों की दोस्ती लाजवाब है। दोनों ने बिग बॉस के घर में एक अलग तरीके की दोस्ती दिखाई, एक अलग तरीके का प्यार दिखाया, और उसके बाद अगर बात की जाए तो दोनों ही अब बिग बॉस के घर के बाद बाहर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, इन तीनों की दोस्ती, इन तीनों का प्यार, इन तीनों का रिश्ता इसी तरीके से रहे। सो गाइस, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? निशांत भट्ट की इन बातों पर आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अपना आप लोग ख्याल रखें। बाय बाय।